हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो पहले देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस, फिर चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो जो पहला क्वेश्चन आया है वो आया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया को लेकर आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो 20वीं सेंचुरी में बनाया गया है और मेहराबदार एक मोन्यूमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो ब्रिटिश आर्मी और जो इंडिया के जो लोग सोल्जर्स थे जिनकी शहीद हुए थे, वो उनकी याद में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया है वो इंडो सार्सेनिक स्टाइल यानी कि भारत और जो अरेबिक स्टाइल है उसमें बना हुआ है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, मतलब हमें करेक्ट स्टेटमेंट की बात यहाँ पे की गई है। तो देखो, हम बात करें इसके गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, तो गेटवे ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था सेकंड दिल्ली दरबार के बाद में, और सेकंड दिल्ली दरबार लगा था 1912 के बाद में। तो ये फैक्ट तो आपको यहाँ पे ध्यान में एक रखना है। ये आया था बेसिकली जो किंग जॉर्ज फाइव थे जो कि इंडिया विजिट पर आए थे उस दौरान इसका निर्माण है वो किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इसको मेनली बनाया गया था 1913 से लेके 1924 के बीच में, इसका काम है वो कंप्लीट हुआ था। तो बनाया किसकी याद में गया था, ये एक्चुअली बनाया गया था जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो किंग जॉर्ज फाइव थे उनकी इंडिया विजिट थी उसके उपलक्ष्य में इसका निर्माण है वो किया गया था। अरेबिक सी में मुंबई में यह स्थित है, साउथ मुंबई में यह स्थित है। इसकी जो आर्किटेक्चर की जो डिज़ाइन है वो है इंडो सार्सेनिक, मतलब इंडिया और अरेबिक जो डिज़ाइन है उसका मिक्सअप है। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, इसका कंटेक्स्ट अभी देखो न्यूज़ में इसलिए आया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने अभी डिसाइड कर एक प्लान लेके आई थी कि भाई जो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि साउथ मुंबई में है ना, इसको वापस से रिस्टोर किया जाए, इसकी ब्यूटी को, इसकी साफ़ सफाई है उसको अच्छे से किया जाए, उसके लेके भी न्यूज़ है वो आई थी। देखो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे साफ साफ गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि गेटवे ऑफ इंडिया है वो बनाया गया था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम जो शहीद हुए थे उनकी याद में, ये गलत है। ये बनाया गया था इंडिया गेट जो कि दिल्ली में स्थित है, वो इसी उपलक्ष्य में बनाया गया था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अफगान वार हुआ था इंडिया का, और उस दौरान जो शहीद हुए थे इंडियन आर्मी और जो ब्रिटिश आर्मी के जो जवान शहीद हुए थे उनकी उपलक्ष्य में गेट जो हमारा इंडिया गेट है, सॉरी, न्यू दिल्ली में उसका निर्माण किया गया था। ध्यान रखना है गेटवे ऑफ इंडिया है वो किंग जॉर्ज फिफ्थ की यात्रा के टाइम बनाया गया था, और गेटवे ऑफ इंडिया सॉरी जो इंडिया गेट है वो बनाया गया था जो फर्स्ट अफगान वार था उस दौरान जो शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में। ये हमें यहाँ पे फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि चिनुक जो हवा है वो एक्चुअली पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाले गर्म और सूखी पवन है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि चिनुक हवा है वो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल में जो कोलोरेडो से लेके उत्तरी कनाडा है उसमें ब्रिटिश कोलंबिया तक चलती है। तो अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, जो कोलोरेडो प्लेटू आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका में है, ये तो हम जानते हैं, हमने काफ़ी बार स्टडी भी किया है कोलोरेडो का प्लेटू जो कि मेनली यूएसए के अंदर आता है, वहाँ से जो कनाडा हो गया उस हिस्से तक यह चलती है, और जिसको चिन्नू को आपको पता है गर्म हवा भी कहते हैं जो कि एक तरीके से हीटर का काम भी वहाँ पर करती है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को लेके। इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि यह एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो कि नीति आयोग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है इसकी जो इस बार की थीम है वो रही है यहाँ पे कि अटेंडिंग द 2030 एजेंडा, और उसके साथ ही कहा गया है डिलीवरिंग ऑन द प्रोमिस, मतलब 2030 के जो एजेंडा है उनको हमें अचीव करना है, इसके साथ ही हमारे वादे हैं उनको भी हमें कंप्लीट करना है कि भाई हमने क्या क्या टारगेट रखे थे। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो देखो, इसको हम डिस्कशन में भी आज आर्टिकल के तौर पर भी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। तो एक बार कुछ फैक्ट तो हम यहाँ पे देखते हैं। जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये एक्चुअली एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो कि टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। टेरी है, उसका मतलब है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो टेरी के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को आयोजित है वो किया जा रहा है। अब आपको पता है, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो टारगेट्स गए थे उनको अचीव करने के लिए समिट है वो आयोजित किया जा रहा है। थीम इस बार की हमने देखा था अटेंडिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन द और प्रोमिस, मतलब जो हमने वादे किए थे 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसकी इसकी थीम है वो रखी गई है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखना है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो आया है ब्लू फ्लेम रिवोल्यूशन को लेके। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन है वो आजकल न्यूज़पेपर में दिखाई दे रहा है, यह किससे रिलेटेड है? पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है न्यूक्लियर एनर्जी, दूसरा दिया गया क्लीन फ्यूल कुकिंग सॉरी क्लीन
क्लीन कुकिंग फ्यूल, तीसरा दिया गया फिशिंग एंड इट्स एलाइड सेक्टर, चौथा दिया गया ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। तो देखो जो ब्लू फ्लेम रिवोल्यूशन है ये एक्चुअली है क्लीन कुकिंग फ्यूल से लेके, तो ये इफेक्ट हमें यहाँ पे डायरेक्टली ध्यान रखना है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, यूपीएससी इसको पूछ सकती है। कंटेक्स्ट देखो इसका ये था कि जब भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन है वो अभी स्टार्ट की थी। ब्लू फ्लेम का मतलब यहाँ पे है कि एलपीजी जो कवरेज है हमारे देश में उसको बढ़ाया जा सके। देखो स्टार्टिंग जब आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, मतलब आज से 5 साल हम पहले की बात करें, तो उस टाइम पर एलपीजी का जो कवरेज था इंडिया में वो था 55%, तो अभी उसको बढ़ा के 90% तक कर दिया गया है। और धीरे धीरे गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो रूरल एरिया में जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है उनको भी गैस प्रोवाइड करवाया जा सके और एक अच्छा साधन उनको मिल सके, तो ये इफेक्ट हमें यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द स्पेशल थीम ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। देखो हर साल जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, हर साल सॉरी जो भी जो फाइनेंस कमीशन नया बनाया जाता है, तो उस दौरान आपको पता है कि उसकी एक स्पेशल थीम होती है। तो जो 15वां फाइनेंस कमीशन चला था, मतलब आज़ादी के बाद हमारा अभी 15वां फाइनेंस कमीशन आया था, तो उसकी थीम क्या थी ये आपको यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका जो आंसर है वो आपको वेलकम यूपीएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके बारे में थोड़ी स्टडी है वो कीजिए। आज का जो पहला आर्टिकल हमारा वो है विंडरूस स्कीम को लेके। पहली बात ये ध्यान रखनी है, विंडरूस स्कीम है वो इंडिया की कोई स्कीम नहीं है, ये इफेक्ट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हुआ क्या था, आज़ादी भारत को अब तक 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई थी, इसके बाद में धीरे धीरे भारत वो लगातार अपने डेवलपमेंट की राह पे बढ़ रहा था। इसी दौरान लगभग बात करें हम 1971 के टाइम पे क्या हुआ था, कुछ लोग जो कि एक्चुअली ब्रिटेन में रहने के लिए गए थे, आप बोल सकते हैं कि ब्रिटेन में वो एक्चुअली माइग्रेंट थे, वहाँ पे वो एक शिप था ब्रिटेन का जिसका नाम था एम्पायर विंडरूस। इस शिप के थ्रू 1971 में वो क्या कहाँ गए थे, ब्रिटेन में, मतलब जो राष्ट्रमंडल जिन्हें हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज जानते हैं उन कंट्रीज़ के लोग हैं वो एक्चुअली एम्पायर विंडरूस शिप की हेल्प से कहाँ गए थे, ब्रिटेन में गए थे 1971 में। और उस दौरान क्या हुआ कि यूके की जो गवर्नमेंट है, हम बात करें ब्रिटेन की गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको इलीगल माइग्रेंट का दर्जा दे दिया था और उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो ये जो केस था इसको तो मैन्युअली जाना जाता है विंडरूस कांड या विंडरूस स्कैंडल के नाम से। अभी कंटेक्स्ट आया था कि गवर्नमेंट है वहाँ की उत्तर मतलब यूके की, उसने एक स्कीम लेके आई थी, इसका नाम था विंडरूस स्कीम। इस विंडरूस स्कीम का मोटो ये था कि भाई जिन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया था या फिर इलीगल माइग्रेंट्स माना गया था ना, उनको वहाँ का मतलब वहाँ उनको सपोर्ट दिया जाएगा, वहाँ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएंगी और गवर्नमेंट उनको वहाँ पे जो टास्क फोर्स वगैरह गठित करके उनके जो भी मतलब आप्रवासन संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा किया जाएगा, मतलब एक तरीके से उनको वहाँ का नागरिक है वो माना जाएगा। तो ये विंडरूस स्कीम है, तो इसके बारे में इफेक्ट हमें ध्यान में रखने की विंडोज केस वो कब हुआ था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 को लेके। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो इस बार टेरी के द्वारा ऑर्गेनाइज है, वो किया जा रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। थीम क्या है इस बार की, थीम इस बार की हमने डिस्कस कर ली अभी कि अटेंडिंग 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन और प्रोमिस। देखो ये इसका मोटो क्या है, इस समिट का मेन मोटो यही है कि वर्ल्ड के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो 17 टारगेट रखे गए थे उन टारगेट को हमें 2030 तक अचीव करना है, तो अभी तक तो क्या प्रोग्रेस रही है और कौन कौन से चैलेंजेस हैं, किस तरीके से उनको फंडिंग मिलेगी, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की हमें ज़रूरत है उसको आगे कंटिन्यू रखना है, इन सब का मेनली जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए समिट है वो आयोजित किया जा रहा है। अब हम थोड़ा टेरी के बारे में देखते हैं। देखो टेरी है ना वो एक इंडिया का एक थिंक टैंक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और गवर्नमेंट का नहीं है बेसिकली, मतलब इसमें जो प्राइवेट स्टेक होल्डर हैं उनका भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे है। वो इसका जो स्टार्टिंग में नाम था वो था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 1974 में इसका नाम है वो यहाँ पे टेरी रख देगा, टेरी का मतलब था द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ये इंडिया का थिंक टैंक है जो क्या करता है, कोई भी पॉलिसी वगैरह बनानी हो गवर्नमेंट को तो उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करवाना हो या फिर उनको कोई भी रिसर्च का डाटा वगैरह चाहिए हो तो इस तरीके का इसके द्वारा काम है वो किए जाते हैं। काम क्या है इसका, इसका एनर्जी और क्लाइमेट चेंज संबंधी मेनली ज़्यादातर इसके द्वारा रिसर्च हैं वो की जाती हैं। तो ये टेरी के बारे में कुछ फैक्ट ध्यान में रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहता है ऑलमोस्ट, तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि क्या कोई एनजीओ वगैरह क्या ही है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है गिव इट अप कैंपेन को लेकर। देखो गिव इट जो ऐप कैंपेन है ये बेसिकली आया था 2014 के बाद लाया गया था इस कैंपेन को, और इसका मोटो ये था कि हमारे देश में जो एलपीजी जो कस्टमर है मतलब एलपीजी गैस के जो कंज्यूमर हैं वो अपनी वॉलेंट्री आधार पर गैस की जो सब्सिडी है एलपीजी सब्सिडी है उसको छोड़ सकें। गिव इट अप मतलब जो सब्सिडी है उसको आप छोड़ दो, इसके लिए कैंपेन स्टार्ट है वो किया गया था। तो अभी न्यूज़ ये आई थी
कि 6/2/2019, मतलब हम बात करें कि 6 फरवरी 2019 तक लगभग 1.04 करोड़ जो एलपीजी के उपभोक्ता थे उन्होंने अपनी स्वेच्छा से एलपीजी सब्सिडी उसको छोड़ दिया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट ने जितने मतलब लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी का पैसा छोड़ा है, इस पैसे का यूज़ करके गवर्नमेंट जिन लोगों के पास गैस कनेक्शन नहीं है रूरल एरिया में उनको पैसा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि वो गैस कनेक्शन है वो खरीद कर सकें। तो यह हमें ध्यान में रखना है। अब देखो गैस कनेक्शन लेने का फायदा क्या होगा उनको, जो वहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट है उसमें हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही जैसे कि जो लकड़ी का कंजप्शन था वो कम होगा। वो देखो क्या होता था कि वुमेन का हेल्थ का सबसे बड़ा इशू होता था क्योंकि वो जो गोबर के उपले होते थे या फिर जो फसल का अवशेष होता था कोयला होता था इनसे खाना बनाए थे हैं, तो उनकी हेल्थ को धुएं से काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और इसीलिए गवर्नमेंट का ये प्लान था, इसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम भी लेके आई थी, आपको बताना है उस स्कीम का नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो स्कीम, उसके बारे में आपको यहाँ बताना है कमेंट बॉक्स में। तो उसका सब गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसको सपोर्ट किया जा सके, इसके साथ ही हेल्थ के जो इश्यूज हैं वुमेन के उनको दूर है वो किया जा सके। तो यह है उसको लेके गिव इट अप कैंपेन को लेके भी न्यूज आई है, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि गिव इट अप जो कैंपेन है वो किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है लॉसिया एंड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस को लेके। तो पहले तो हम यहाँ पे जानते हैं कि लॉसिया है क्या। देखो लॉसिया वो एक रीजनल एसोसिएशन ऑफ लॉयर जजेस का है, मतलब जो जज होते हैं लॉयर होते हैं इनका एक रीजनल एसोसिएशन है। कौन कौन से एरिया का, ये बेसिकली है साउथ पैसिफिक एरिया का, मतलब साउथ पैसिफिक के जो एरिया में जो लॉयर जो जज होते हैं उनका एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनके इंटरेस्ट को मतलब प्रिजर्व है वो करता है। तो ये तो हमने ये दिखा यहाँ पे लॉसिया को लेके। इसके बाद में हम फैक्ट आगे देखते हैं कंटेक्स्ट को। कंटेक्स्ट यह था कि पहला जो लॉसिया ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस था वो आयोजित किया गया था इस बार के किसके द्वारा, लॉसिया के द्वारा, और इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जिस तरीके से साउथ पैसिफिक एशिया के अंदर लॉसिया एक ह्यूमन राइट ग्रुप बनाया गया है, या फिर हम बात करें कि एक तरीके से जो लॉयर और जजेस का एक प्रोटेक्शन ग्रुप है जिसका नाम लॉसिया में डिस्कस किया, उसी तरीके से इंडिया में जो जज और जो लॉयर होते हैं इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बार एसोसिएशन है उसका निर्माण किया गया है। तो उसने अभी ये कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित करवाई। तो यूपीएससी पूछ सकती है लॉसिया के बारे में, और इस बार की थीम है वो यहाँ पर ही रही है स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो ये थीम भी थोड़ी हमें एक बार देखते हुए आगे चलना है। तो देखो ये था हमारी आर्टिकल आज का। इसके बाद में एक छोटी सी न्यूज़ और थी, वो थी अफ्रीकन यूनियन को लेके। तो पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अफ्रीकन यूनियन का मतलब है क्या। जिस तरीके से देखो यूरोपियन यूनियन ने अपनी एक यूनियन बना रखी है, मतलब यूरोप की कंट्रीज़ ने मिलकर एक अपनी यूनियन बना रखी है जिसमें मेनली वो इकोनॉमिक रिलेशंस को अपनी तवज्जो है वो ज़्यादा देते हैं, उसी तरीके से अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो धीरे धीरे काफ़ी टाइम तक ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, फिर वो धीरे धीरे आज़ाद है वो हुई थी। तो उस दौरान जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने मिलकर इसका निर्माण किया था अफ्रीकन यूनियन का, ताकि अफ्रीका के इंटरेस्ट को सर्व किया जा सके और अफ्रीका के अंदर डेवलपमेंट को सुनिश्चित किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग है वो किया जा सके, इकोनॉमिक रिलेशन हैं उनको भी यहाँ पर इम्प्रूव वो किया जाएगा। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि अफ्रीकन यूनियन के जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे वो अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं उनको रखा गया है। तो ये कंटेक्स्ट आया, मतलब फतेह अब्बेल जो फतेह है उनको अभी अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है। यह आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीकन यूनियन का जो सेक्रेटेरिएट है वो है अदीस अबेब में, ये ध्यान रखना। जो अदीस अबीब है वो कहाँ पे है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अदीस अबीब है कहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन है अफ्रीका में, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अदीस अबीब है वो कौन सी कंट्री में है और लैंड लॉक्ड है कौन सी है, इसके बारे में आपको फैक्ट है वो बतानी है। तो इसी को लेकर छोटी सी न्यूज़ है वो यहाँ पे आई है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्वच्छ शक्ति के बारे में। देखो स्वच्छ शक्ति है वो हमारे देश का एक कन्वेंशन, या हम बात करें एक एनुअल कन्वेंशन है, मतलब है क्या इसमें, ये हमारे देश में जो महिला सरपंच हैं उनका एक नेशनल सम्मेलन है एक तरीके का। इसका मोटो ये है कि जो वुमेन है ना इनका कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत मिशन में कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सके एक तरीके से, मतलब स्वच्छ भारत मिशन में जो रूरल एरिया की महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन या उनका जो लीडरशिप के जो राइट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए स्वच्छ शक्ति कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था। इसका और क्या कहें इसमें, इसमें जो रूरल एरिया की वुमेन है उनको एक तरीके से एम्पावर किया जाता है कि आप स्वच्छ भारत में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो धीरे ज़्यादा ज़्यादा रखें। तो उसी को लेके न्यूज़ है वो आई है। कंटेक्स्ट देखो भी ये था कि जो स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम है उसका तीसरा एडिशन है वो भी हरियाणा में आयोजित, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित है वो किया जा रहा है। इसका जो पहला एडिशन था वो गुजरात के गांधीनगर में हुआ था, दूसरा एडिशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, और तीसरा एडिशन अभी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है। तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है, तो उसे हमने यहाँ पर कवर किया है। तो ये थी आज की मेरी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।